करवा रखा है आगे का काम, ये देख रहे हो आप मोन्स्टर एडिशन मोन्स्टर के स्टिकर। हालांकि मैंने अपनी बाइक से ये स्टिकर उतार दिए, ठीक है, तो और भाई ने भी लगवा लिए हैं। तो ऐसी कुछ लुकारी भाई की, और अभी भाई की बाइक में हमने जो काम किया था ये हमने लगाया था पूरा ये वाइजर सिंगल बबल ग्लोसी वाले मिरर, इसके इसमें भी लाइट सस्ती मैं आपको चसा के दिखा दूंगा। एंड हमने लगाई सामने एक विंग लाइट, ठीक है, उस साइड में हमने वो बॉडी इंडिकेटर्स लगाए हैं। एंड पीछे देखो तो हमने KTM वाले इंडिकेटर्स इसमें KTM के लगाए गए हैं। तो भाई आज आ रखे हमारे पास पल्सर RS 200 BS6 है ना यार BS6। तो इसमें आज हम करने वाले हैं अपना 1000 का सिस्टम, और हमने इसमें लगाई है अभी दो चीज़ें इंस्टॉल की है बड़ी मेहनत के बाद। एक तो अपना इसमें हमने डाला है ये बहुत ज़्यादा ग्लोसी में, ठीक है, सॉलिड में अपना वाइजर देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम अपना सिंगल बबल बोल सकते हैं फिलहाल हमें, जो कि RS लुक को और चार चांद लगा देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका एक रिंग लाइट का ऑप्शन है बट हमने वो अभी से इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। और ये नीचे आ गई इसकी ओरिजिनल वाली रिंग लाइट जो कि RS खुद की आती है। पब्लिक क्या करती है इसमें R15B3 की छोटी या बड़ी वाली रिंग लाइट लगा देती है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कौन सी वाली रिंग लाइट की मैं बात कर रहा था आपको, ये वाली तो रिंग लाइट है। क्या करती है पब्लिक, किसी के पास ये वाली रिंग लाइट होती नहीं है, अपने पास अवेलेबल है तो हमने लगा दी, वरना इनको लगा देती है छोटी सी को यहाँ पे। हालांकि मैंने भी लगाई है कस्टमर के डिमांड पे ये, बट अपने पास RS की भी खुद की है, तो ये वाली लगवाना आपके लिए कोई ठीक नहीं है, ये मत लगवाओ, इससे आपकी बाइक में साइड में स्क्रैच भी लग जाएंगे इस इनसे, और वो वाली आपकी प्रॉपर आएगी, ठीक है। लगने को इसमें एक बड़ी वाली भी आती है वो भी लग जाएगी, ये होती है ठीक। एंड एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको पीछे की तरफ से, तो हमने पीछे इसमें करे हैं इंडिकेटर इंस्टॉल, ठीक है, ये वाले इंडिकेटर लगाए इसमें LED में, आपको पता है हाई ब्राइटनेस में। एंड अगर हम इसमें हमने कनेक्शन सेम किया है 4x4, अगर हम इसके ब्रेक लाइट को अप्लाई करेंगे दबाएंगे आगे पीछे सेम लाइट, तो इसमें वाइट रंग की जो लाइट है ना ये वाले जलेगी। एंड ये सारे कारस्तानी करी हमारे भाई राहुल ने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इसकी लुक है ना वो थोड़ी और इनहेंस हो गई है नीचे की तरफ से, हमने इसकी वायरिंग प्रॉपर तरीके से कर दी अच्छे से। एंड यहाँ पर इसकी एक लाइट है, ठीक है, तो अब अगर इसको पीछे से हम देखेंगे ना तो थोड़ी सी अब्रॉड लगेगी बाइक भी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगेगी। एंड अब इसमें होने जा रहा है 1000 सिस्टम जो उसका स्विच ये रहा, एंड हम इसमें यहाँ पे अब 1000 लगा देंगे, ठीक है। 1000 की वजह से इसमें क्या होगा, 16 पैटर्न का अपने पास 1000 है, ठीक है, बहुत चीप रेट में, वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें वो करने के बाद जो इसके इंडिकेटर की और आगे पीछे वाले की जो अटैचमेंट है वो जुड़ जाएंगी, एंड उसके बाद जो इसकी लुक आएगी निकल के वो अलग लेवल लगेगी। रात को बाइक इतनी ज़्यादा सेक्सी लगेगी कि अगर ये रात को कोई 1000 ऑन करेगा तो बाइक क्या असर आएगी, क्योंकि इसमें जो पीछे LED इंडिकेटर लगाए हमने इन वाले इंडिकेटर की वजह से कुछ ज़्यादा ही लुक इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। इस वाले इंडिकेटर में भी आपको पता ही होगा गाइस कॉपी वाले इंडिकेटर आते हैं, बट अपने पास वो अवेलेबल नहीं है, अपने पास पूरे प्योर LED वाले इंडिकेटर है। मेरे की लाइफ अब लग 1.5 साल हो गई, मेरे वाले इंडिकेटर ख़राब नहीं हुए, वैसे इनकी गारंटी वारंटी तो कुछ आती नहीं है। और कैसे लग रहे हैं बस कमेंट में जरूर बताना। ये बाइक है इस भाई की, ठीक है, ये भाई गए भाई कहाँ आए तो काम करवा भाई, ये पटौती से भाई, पटौती से आए थे काम करवाने के लिए। पटौती भाई की शॉप है, किस चीज़ की शॉप है भाई, किस चीज़ की दुकान है तेरी खुद की, देसी दवाई का काम करते हैं, ठीक है। तो भाई देसी दवाई का काम है भाई का, पटौती में कहाँ पे है, ये पटौती में है, ये अपना शिव मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास, तो देख लिए भाई किसी को देसी दवाई वगैरह चाहिए हो तो शिव मंदिर के पास पहुँच जाना, ये भाई मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, और अपने देसी दवाई वगैरह ले आना है, बाइक ठीक करवानी थी यहाँ पे आ जाना, हाँ बाइक ठीक करवानी है तो यहाँ पे आ जाना। और छोटी बाइकों का काम भी होता है, बड़ी बाइकों का भी होता है, सारा काम होता है, ठीक है, सर्विस वगैरह भी होती है अपनी बाइकों की, सभी की सर्विस हो जाती है, वो राहुल कर देता है अपनी हमारी दुकान पर जो साइड है, ठीक है, सर्विस वगैरह काम वो सारा यहाँ पे, सिर्फ मॉडिफिकेशन काम होता है, शॉप आपको पता ही है ना पूरी शॉप इस प्रकार से कुछ लुक है, तो बस यही है। आगे कार्रवाई हम आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाएंगे भाई। इस काम के बाद आई है ये स्कूटी अपने पास, ठीक है, यामा की, भाई यामा की कौन सी थी, ये यामा की रेजर 125cc में, इसमें हमने अभी किया है इसे इंस्टॉल। एंड इसमें लगाया है ये सांप, ये देख रहे हो आप यहाँ पे सांप लगाया है, और आपको मैं दिखाऊँ तो थोड़ा सा आगे हिंदू, एंड ये आगे AK-47 है, और भी कुछ मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें करी थी इसमें, यादव का स्टिकर हो गया यहाँ पे, यादव का स्टिकर हो गया, हाँ ये वाला इसका हमने ये चेंज किया है। और जो अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने वाली है ना, कुछ काम होने वाला है, एक तो इसमें अब लगेगा ये वाला स्ट्रीट कवर, ठीक है, और इसमें जो अभी फिलहाल की मॉडिफिकेशन होने वाली है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसमें लगने वाले ये 7 फेस के हॉर्न, इसके साथ रिले, एंड इसका अडैप्टर इसी में अटैच होता है, बड़े काफ़ी यूनिक हॉर्न है, इसमें लाइट भी अच्छी है, और जो है ना 7 प्रकार से बजेंगे हॉर्न, काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ है इसकी। एंड ये हो गया, अब इसमें इंस्टॉल हम ही करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। तो भाई जिस स्कूटी पर हम लग रहे थे काफ़ी देर से, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ काम और होना बाकी है, तो उसमें ये करवाया था,
आगे इसमें अभी लगाए थे आपको स्टिकर, ये आपने देख रहे थे पहले, एंड सामने साइड में लगाए इसमें मॉन्स्टर एडिशन के स्टिकर, ठीक है। और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखा दी, इसमें लगाया हमने एक हॉर्न, चाबी वो करते हैं ऑन, चाबी होगी ऑन, एंड वहाँ से हमारे ये देखिए लगाए हैं अलग अलग प्रकार से, मतलब कि सात फेस के ऑन जो मैं बता रहा था आपको ये, ठीक है। एंड पीछे लगे हैं इसमें एलईडी बल्ब, बट अभी वो उसमें आगे सॉकेट में दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से उसमें काम नहीं हो पा रहा, तो वो सॉकेट चेंज होगा, उसके बाद हो जाएगी पूरी स्कूटी ये भी रेडी, ठीक है। तो इसके बल्ब वगैरह इनको भी हम बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, क्योंकि अभी कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये इसमें ये इंडिकेटर है ना जो इसके पीछे से थोड़ा सा मैले मैले भी लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगा ना सेटअप इसका पूरा, तो उसके बाद लगेंगे कुछ। हाँ भाई, स्कूटी में कुछ काम हो रखा है, ठीक है। और बाकी ऑल ओवर स्कूटी पूरी रेडी हो चुकी है, अच्छी लग रही है, फ्रंट फेस से भी अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा रोड लग रही है स्कूटी अब कि हाँ भाई चलो कुछ दिख रहा है, एंड चलते वक्त जब पता लगेगा, एंड बाद में अभी स्कूटी में एग्जॉस्ट लगेगा, एक महीना लगेगा टाइम उसमें, एंड उसके बाद आपको दोबारा यही सेम स्कूटी दिखाएंगे कि हाँ भाई इस स्कूटी में कुछ हो रखा है। आर पार स्कूटी एक नंबर, देखने में और चलने में भी काफ़ी स्मूथ, थोड़ा बहुत काम रह रहा है वो इसमें जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, एंड जैसे इसका पूरा हो जाएगा काम तो फिर आपको स्कूटी देखने को मिल जाएगी। हाँ, आपको भी लगेगी कुछ चीज़ हमने देखी है स्कूटी में भी, ये सारी मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो सकती है, तो ठीक है। अब इसके बाद का देखते हैं, मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, उसको हम करेंगे पैक। मैंने आज भी कर दिया इसको पूरा काम अपना, मैंने ये निकाल दिया है एंड इसको मैंने पूरा स्टॉक कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद इसको मैं पैक कर दूँगा यहाँ से, एंड फिर मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, एंड मिलता है अभी आपको थोड़ी देर बाद में। तो भाई इसके बाद आई थी अपने पास एक V3, ठीक है, देख रहे हो ये V3 है कि, और इस पे भाई ने जो करवा रखा है आगे का काम, ये देख रहे हो आप मॉन्स्टर एडिशन मॉन्स्टर के स्टिकर, हालांकि मैंने अपनी बाइक से ये स्टिकर उतार दिए, ठीक है। तो और भाई ने अभी लगवा लिए, तो ऐसी कुछ लुका रही भाई की। और अभी भाई की बाइक में हमने जो काम किया था, ये हमने लगाया था पूरा ये वाइजर सिंगल बबल ग्लोसी वाले मिरर, इसके इसमें भी लाइट सिस्टम है, आपको चसा के दिखा दूंगा। एंड हमने लगाई सामने एक रिंग लाइट, ठीक है, और साइड में हमने वो बॉडी इंडिकेटर्स लगाए हैं, एंड पीछे देखोगे तो हमने KTM वाले इंडिकेटर्स इसमें KTM के लगाए गए हैं। अगर मैं आपको इसको चसा के भी दिखाता हूँ कि भाई कैसी क्या लुक आ रही है बाइक की, ऑल ओवर कैसी लग रही है। अभी मैंने फिलहाल बाइक को सिर्फ ऑन किया है मेनली, ठीक है, और अभी मैं कनेक्शन करता हूँ इसके राइट इंडिकेटर्स का, सॉरी लेफ्ट का। तो लेफ्ट में देख रहे हो आप, एक तो इधर से चस रहा है, साइड में बॉडी इंडिकेटर चस रहे हैं, एंड इधर की तरफ देखोगे तो आप ये शीशे में भी जो मेन काम किया गया, एंड ये देख रहे हो पीछे कुछ यूनिक टाइप के लग रहे हैं इंडिकेटर, मतलब सही लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं कि भाई नहीं तो ज़्यादा ब्राइटनेस है और नहीं ज़्यादा कोई दिक्कत। ये जो इसमें 3 LED है बड़ी प्यारी लग रही है ना, लुक जुक। तो ठीक है, और आपको ये कैसी लगी, ये इंडिकेटर्स कैसे लगे, जो भी काम किया है वो कैसा लगे, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और ठीक है, और आज के इस ब्लॉग को भी मैं कर देता हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि आज का टाइम भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, रात बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गई है, तो अब